मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यकीन पता आज सेकंड सेमेस्टर को जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे उसको। मैंने वैदिककालीन शिक्षा, उसके बाद मध्यकाल में भौतकालीन शिक्षा, मुस्लिमकालीन शिक्षा को पढ़ाया आप लोगों को। इसके बाद आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो आधुनिक शिक्षा में भी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता से बाद की शिक्षा का हम वर्णन करेंगे या उनकी व्याख्या करेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व की, स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो हम जो भी अंग्रेज थे, जो भी विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने भारतीय शिक्षा में कैसे कैसे प्रगति की और कौन कौन सी बाधाएं उपस्थित की, इनका सबसे पहले अध्ययन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि इससे पूर्व जो शासक हुए उनकी क्या स्थिति रही और क्या वो वजह रही जिसके जिनके द्वारा बीच बीच में शिक्षा की जो अवनति हुई वो क्या थी। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया था मध्यकाल था, मध्यकाल को हमने 1757 की बात की थी। इसके बाद शिक्षा की स्थिति क्या रही उसको समझते हैं। मैंने कहा मुगल काल में, मुगल काल के जाते जाते उसका जो सबसे प्रबल शासक था उत्तर मुगल कालीन शासक वो औरंगजेब था। 1717 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उतने योग्य नहीं रहते, उतने क्षमतावान नहीं रहते जो उसके साम्राज्य को संभाल सके। हालांकि औरंगजेब के समय में भी उसका साम्राज्य उतना मजबूत नहीं रहा था क्योंकि उस समय भी तमाम देशी राजा या तमाम आक्रमणकारी उस राज्य में भी आक्रमण करने लगे थे। ऐसी स्थिति में जब शासकों को अपने शासन को बचाने के लिए, अपने राजसत्ता को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, वैसी स्थिति में हम उम्मीद करें कि कोई भी राज्य व्यवस्था अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएगी तो वो तो संभव नहीं था। इसलिए 18वीं शताब्दी को भारतीयों के लिए भारतीय शिक्षा का अवनति का कालखंड कहा जाता है। इसमें बहुत बड़ा ह्रास हुआ, बहुत बड़ी कमियां देखने को मिली। जो शिक्षा भारतीय को मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा भारतीयों को नहीं मिल पाई। इसके मैंने पीछे लॉजिक बताया, कुछ कारण बताए। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उससे पहले भी डच, डेन, फ्रेंच, पुर्तगाली तमाम कंपनियां थी जिन्होंने भारत में आई और भारत में व्यापार किया। इसलिए उन्होंने जो डच कंपनी थी, सॉरी डेन कंपनी थी, डेन कंपनी ने कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। उसमें से प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान थी वो थी, वो शहर थे चिंसुरा, दूसरा देखते हैं मुसलीपट्टनम, और तीसरे की बात करेंगे नागपट्टनम। इन शहरों में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भारतीय थे उनकी शिक्षा व्यवस्था की। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसके बाद भी तमाम कंपनियां थी जैसे मैंने डच का, डेन का, फ्रेंच का, पुर्तगाली कंपनीज का, जो सब भारत आई उन्होंने भी अपने अपने स्तर से शिक्षा के कार्य प्रारंभ किए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्य थे व्यापक स्तर पर किए। उसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्तर के बाद मैंने कहा 1757 तक ईस्ट इंडिया का शैक्षिक रूप से प्रमुख कार्य था वो ये था कि प्राथमिक शिक्षा को ही इन्होंने वरीयता दी, प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने व्यवस्था की। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की व्यापक स्तर पर। लेकिन जो अंग्रेज कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था इसके पीछे हम समझ लेते हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भारत में धन अर्जित करना और भारत से धन अर्जित करके ब्रिटेन ले जाना और अपने ईसाई धर्म का था उसका प्रचार करना था। लेकिन जब उसने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और शासन करने लगी तो उस समय उसके लिए अनिवार्य हो गया कि वो न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि संपूर्ण भारत के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी प्रयास करें। इसलिए उसने कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। उन शिक्षण संस्थाओं को हम एक एक करके समझ लेते हैं। वो शिक्षण संस्थाएं कौन सी थी,
1781 में नंबर एक लिखते हैं 1781 में उन्होंने क्या किया, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। नेक्स्ट नंबर दो, दूसरी संस्था की उन्होंने 1791 ईस्वी में, सॉरी 91 ईस्वी में लिख रहे आप लोग, 91 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद और भी शिक्षण संस्थाएं थी जिनकी उन्होंने स्थापना की। इन दोनों पहले समझ लेते हैं कि इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के पीछे ब्रिटिश कंपनी का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। वो चाहते थे कि इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जो मुस्लिम के लिए थी वो मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाए छात्रों को, और जो संस्कृत कॉलेज था उससे चाहते थे कि भारतीय नवयुग जो भी वैदिकालीन शिक्षा से संबंधित थे वो इन कॉलेजों में हिंदू कानून की पढ़ाई करें, और इस प्रकार जो मुस्लिम शासन था, कंपनी का शासन था, उसमें उनके लिए जो कनिष्ठ लिपिक होते हैं, जो जूनियर क्लर्क होते हैं, उनको तैयार करना था। इसलिए उन्होंने दो शिक्षा संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय की, 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा, दूसरा 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना उन्होंने की। आगे समझते हैं 1800 तीसरी स्थापना, तीसरा कॉलेज था 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। एक और कॉलेज महत्वपूर्ण था, उसकी स्थापना उन्होंने की 1818 में संस्कृत पूना कॉलेज, संस्कृत पूना कॉलेज की स्थापना। ठीक है, इसको आप समझते चले। तो ये चार शिक्षण संस्थान थे जिनकी उन्होंने स्थापना की, जो जो शिक्षण संस्थान उन्होंने स्थापित किए, इनके द्वारा ये कंपनी शासित जो भी राज्य भारत राज्य था उसके अंतर्गत ये दोनों तरीके के जो अनुयायी थे उस समय, चाहे वो मुसलमान शासक रहे हों, मुसलमान जनता रही हो, या फिर हिंदू जनता की बात करें हिंदू जनता रही हो, दोनों में से ही अपनी शासन के लिए या कंपनी के शासन के लिए या प्रशासन को संभालने के लिए ये कनिष्ठ लिपिकों को तैयार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की। आगे समझते हैं अब अज्ञापत्र, इसको चार्टर एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। इसको समझ लेते हैं कि ये था क्या और इसमें क्या था और ये क्यों महत्वपूर्ण था, इसको समझते हैं। मैंने बताया ये चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था, खासतौर से ब्रिटिश राज्य में जो भारतीय शिक्षा की व्यवस्था की गई थी उसमें इस चार्टर को सबसे ज्यादा विवादित, सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण और सबसे ज्यादा अनिश्चित कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था। इस चार्टर के माध्यम से जो ब्रिटिश संसद थी वो चाहती थी कि भारतीयों के लिए हम निश्चित धनराशि 1,00,000 रुपए है उसको देंगे, और उसके उसका जो साहित्य है
उसका जो ज्ञान है या उसकी जो शिक्षा है या उसका जो विज्ञान है उस पर खर्च करेंगे। लेकिन कहीं भी उन्होंने कहीं भी ब्रिटिश संसद ने कहीं भी जो अंग्रेज नेता थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये कौन सी शिक्षा होगी या कौन सा साहित्य होगा या कौन सा विज्ञान होगा। सबसे ज्यादा विवादित इस कालखंड में सबसे ज्यादा विवाद इस कालखंड में इसी बात को लेकर रहा कि इसमें तीनों बातों को स्पष्ट नहीं किया गया था। इसलिए 1813 से लेकर 1833 तक का कालखंड सन 1813 से लेकर 1833 तक का कालखंड सबसे ज्यादा विवादित और अनिश्चित तथा संघर्षपूर्ण था मैंने इसके कारण बताए कि इसमें क्या कहा गया, इस चार्टर के द्वारा क्या कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जो कंपनी है सबसे जो कंपनी का जो उत्तरदायित्व था या शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वो पूर्णतः ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर डाल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो संपूर्ण शिक्षा का भारतीय शिक्षा का दायित्व निर्वहन करेगी और वो किस तरीके से करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रतिवर्ष कंपनी प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया भारतीय उसमें समझेंगे 1,00,000 रुपये की बात की उन्होंने क्या था जिम्मेदारी किसकी थी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारतीय शिक्षा की जिम्मेदारी अब कंपनी निर्वहन करेगी, कंपनी पर डाली जाएगी, उस पर लाइबिलिटी होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि वो इसके लिए शिक्षा साहित्य एवं विज्ञान पर क्या करे पर व्यय करे या खर्च करे यहीं से विवाद उठना शुरू हो गया। जो प्राच्यवादी थे अर्थात जो संस्कृत के समर्थक, फारसी के समर्थक, अरबी के समर्थक थे अर्थात भारतीय विद्वान थे, दूसरी तरफ थे अंग्रेज विद्वान थे, उनमें उनके मध्य संघर्ष था वो ये था कि अब क्या किया जाए, शिक्षा को कौन सी शिक्षा माना जाए, भाषा शिक्षा माना जाए या प्राचीन शिक्षा माना जाए, अर्वाचीन शिक्षा माना जाए या भारतीय शिक्षा माना जाए। दूसरा विवाद का बिंदु था साहित्य में कौन से साहित्य शामिल किया जाए, संस्कृत साहित्य शामिल किया जाए, अरबी साहित्य शामिल किया जाए, फारसी साहित्य शामिल किया जाए या जो ब्रिटिश का साहित्य है जो पाश्चात्य साहित्य है उसको शामिल किया जाए। तीसरा विवाद का बिंदु था वो सबसे बड़ा था वो था विज्ञान। वो उस समय जो प्राच्यवादी जो विद्वान थे भारतीय शिक्षा से समर्थक जो विद्वान थे वो चाहते थे कि हम प्राचीन भारतीय विज्ञानों को ही आगे बढ़ाएं, प्राचीन विज्ञानों पर ही धन को खर्च किया जाए। जबकि ब्रिटिशर्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके जो समर्थक थे या पाश्चात्यवादी थे पाश्चात्यवादी विद्वान थे वो चाहते थे कि आधुनिक जो विज्ञान है जो नवीनतम विज्ञान है या जो पाश्चात्य विज्ञान है उसको ही आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर तकरीबन 20 वर्ष से ज्यादा तक संघर्ष की स्थिति बनी रही, अनिश्चितता की स्थिति बनी रही और आपस में मतभेदों की स्थिति बनी रही। इस मतभेद को सुलझाने के लिए मैंने बताया था कि 20 साल बाद प्रत्येक चार्टर का रिव्यू किया जाता था या उसका पुनरावलोकन किया जाता था, उसकी खामियों को देखा जाता था, उसके बाद संशोधित चार्टर आता था। ऐसी स्थिति में 1833 में नया संशोधित चार्टर आया। उस चार्टर में भी उस चार्टर की धनराशि थी उसको 1,00,000 से बढ़ाकर 2,00,000 कर दिया गया और ये कहा गया कि जन सामान्य को शिक्षा देने का कार्य राज्य करे। इससे एक फायदा तो हुआ कि जो शिक्षा से संबंधित व्यवस्था थी उसमें भारतीयों ने नौकरी के सत्तारूढ़ता में या नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा को ग्रहण किया, जिससे शिक्षा का कुछ स्तर तो बढ़ा लेकिन शिक्षा के जो मूल ढांचा था जिसका तत्व बना रहा और जो 1813 के चार्टर में विवाद मौजूद थे उनका कोई समाधान नहीं निकला, उनकी स्थिति वैसी ऐसी बनी रही। उसके बाद 10 जून देखते हैं यहाँ पर 10 जून
उसके बाद 10 जून ये दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दिन जो गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसकी काउंसिल का एक सदस्य था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले, वो उस परिषद का कानूनी सलाहकार था, उस परिषद की कानूनी सलाहकार का कानूनी परिषद थी उसका एक सदस्य था। और वो कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त होकर भारत आया, क्योंकि वो अंग्रेजी का घोर समर्थक था। अंग्रेजी का मैंने बताया कितना था, अनसमर्थक था, वो समर्थक था, वो अंग्रेजी से बहुत प्यार करता था। दूसरा क्या था, बहुत बड़ा विद्वान था। तीसरा था, वो श्रेष्ठ वक्ता था, अर्थात उसका व्याख्यान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। वो इतना बड़ा विद्वान था, उसके जो भाषण देने की कला थी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जो विवाद है 1813 का चार्टर का, जो 1813 का चार्टर है, उस विवाद को सुलझाएंगे। उसने सबसे पहले क्या किया, भारत आने के बाद जो जो चार्टर है 1813 था, 1813 का था, उसकी धारा थी महत्वपूर्ण धारा थी 43वीं धारा थी, उसका उसने गहनता से अध्ययन किया। उस संपूर्ण धारा का उसने गहनता से अध्ययन किया, क्योंकि वो क्या था, वो अंग्रेज समर्थक था, इसलिए उसने सारी की सारी व्याख्याएं अंग्रेजों के हित में ही की, ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में ही की। इसलिए उसका पुस्तक था, उसके पुस्तक थे, वो सुन लीजिए आप लोग। उसने कहा कि जितना भी यूरोपीय अरबी साहित्य, जितना भी अरबी साहित्य है या भारतीय साहित्य है या दूसरा अरबी फारसी संस्कृत का साहित्य है, वो ब्रिटिश वो यूरोपीय की जो जनवारी है, यूरोपीय पुस्तकालय की जनवारी है, उसके बराबर नहीं है। अर्थात यूरोप की एक अलमारी का साहित्य अरबी संस्कृत और फारसी साहित्य से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ मानता था। उसने कहा, अगली बात करते हैं, उसने भारतीय विज्ञानों के बारे में कहा कि भारतीय विज्ञानों जो भारतीय विज्ञान है उस पर तो पशु चिकित्सकों को भी हंसी आती है। ज्योतिष की बात की उन्होंने, भारतीय ज्योतिष की बात की, उसके विषय में उसका बहुत तगड़ा प्यार था। वो उसने कहा कि भारतीय ज्योतिष के बारे में सुनकर ब्रिटेन की लड़कियों को भी हंसी आती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, उसके बारे में उसने कहा मैंने क्या बताया, चिकित्सा बताया, दूसरा तर्क बताया, विज्ञान की बात की तो उसने कहा, इतिहास की बात की, इतिहास के बारे में उसका कहना था कि भारतीय इतिहास भारतीय साहित्य एकदम तर्कहीन है, उसमें 30 फुट जैसे राजाओं की, गंगा में बहने वाले दूध की, समुद्र में बहने वाले दूध की, तमाम तरह की नदियों की बात की जाती है जो कि तथ्यहीन है। इसलिए उसने कहा भारतीय साहित्य अविकसित है, गमारू है, इसको साहित्य के स्थान पर महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात उसने कहा कि जो भी साहित्य की बात करेंगे, जो भी विज्ञान की बात करेंगे और जो भी किसकी बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, पूर्ण रूप से पाश्चात्य अंग्रेजी साहित्य विज्ञान ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ये कुछ बातें थी जो उसने कही, लेकिन उसने कुछ सुझाव दिए अपने तर्कों के साथ। उन सुझावों में 3 बातें थी बहुत महत्वपूर्ण थी, उसको सुन लेते हैं। नंबर 1, इस डेट को आप ध्यान रखेंगे, पिन पॉइंट कर लें। पूछा जाता है कब आया, किस सन में आया और कौन स्थिति को आया। अगला एक सन ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835, इसको जरूर आप पॉइंट करें, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, एग्जाम में समय पूछी जाती है। इसके बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछी जाती है। तो 45 वर्ष कब आया, अब बात करते हैं मैकाले वंश की, बात करते हैं मैकाले का विवरण पत्र, इसको मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं, मैंने बताया कि जब इसको जिम्मेदारी दी गई लॉर्ड मैकाले को, तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, उसका गहनता से अध्ययन किया, जिसकी धारा 43वीं धारा थी, 43वीं धारा थी, उसका
गेंता से बंद किया, गेंता से बंद करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा या उसने जो सुझाव दिए रिकमेंडेशंस की ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो ये थी। नंबर एक ये था साहित्य के अंतर्गत सॉरी ज्ञान के अंतर्गत, इसको और शब्द देते हैं शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए। उसने कहा जो भी शिक्षा है वो पाश्चात्य शिक्षा है वो ही श्रेष्ठ है भारतीय शिक्षा की। उसने क्या किया अवहेलना की। दूसरा विवाद का बिंदु था वो ये था, पहला शिक्षा हो गई, दूसरा हो गया साहित्य। साहित्य में उसने कहा कि जो भी पाश्चात्य साहित्य है वो ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय प्राच्य साहित्य के। उसने कहा साहित्य के संबंध में, साहित्य के संबंध में देखिए लिखते चले आप लोग, संबंध में पाश्चात्य साहित्य ही श्रेष्ठ है, ही श्रेष्ठ है। तीसरा उन्होंने कहा शिक्षा हो गई, साहित्य हो गया, तीसरा मैंने क्या बताया था बच्चों, बताओ क्या बताया था मैंने, आप लोग भी पढ़ते चले सुनते चले, क्या बताया था मैंने। भाषा की बात करेंगे, सॉरी तीसरा भाषा की बात करेंगे। उसने कहा कि जो भी विवाद बिंदु है किसका 1813 के चैप्टर का, उसमें भाषा से संबंधित उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेजी भाषा ही सर्व श्रेष्ठ है, सॉरी सर्व श्रेष्ठ है क्योंकि भारतीय भाषाएं अविकसित हैं। ठीक है, नोट करते चले, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। अविकसित हैं, चौथा मैंने बात की, चौथी बात की विज्ञान, विज्ञान के बारे में उसने कहा पाश्चात्य विज्ञानों को ही श्रेष्ठ समझना, श्रेष्ठ माना जाना चाहिए क्योंकि तत्कालीन
भारती विज्ञान तर्कहीन है, इसलिए इस प्रकार नैकाले में गुण पत्र में जो विवाद के बिंदु थे उनको क्रम से तर्क रखकर श्रेष्ठ साहित्य अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत शिक्षा की बात की जाए तो पाश्चात्य शिक्षा ही श्रेष्ठ है, प्राच्य शिक्षा तत्कालीन समय में श्रेष्ठ नहीं है। दूसरी बात की उसने साहित्य के लिए साहित्य की बात की, उसने पाश्चात्य शिक्षा को भी उसने श्रेष्ठ माना और पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा की जो थी उसको अवहेलना की। तीसरा था भाषा की बात की, उसने कहा जो भाषा का माध्यम हो अंग्रेजी भाषा ही हो और क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं या तत्कालीन भारतीय भाषाएं हैं वो विकसित नहीं है। चौथी बात की उसने विज्ञान की, पाश्चात्य विज्ञानों को ही नैकालीन श्रेष्ठ माना और उसने तर्क दिया कि जो भी भारतीय तत्कालीन भारतीय विज्ञान है वो श्रेष्ठ नहीं है, वो जो भी इनोवेशन हो रहे हैं उनको स्वीकार नहीं करते हैं और जो तत्कालीन विज्ञान है उसकी कसौटी पर खड़े करते नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो नैकालीन ने की। इसके बाद एक और चीज समझते हैं, उस समय या तत्कालीन समय में जो नैकाले था वो चाहता था सामान्य जन को शिक्षा न दी जाए या सामान्य जनता को शिक्षा न दी जाए, वो चाहता था कि राज्य के कुछ चुनिंदा लोग, कुछ कुलीन वर्ग, कुछ उच्च लोग हैं उनके हाथों में शिक्षा को दिया जाए, उनको शिक्षा दिया जाए और धीमे धीमे करके वो शिक्षा जन सामान्य तक पहुंच जाएगी। इसलिए उसका विचार, उसने क्या किया, जन शिक्षा की उपेक्षा की और इस शिक्षा के द्वारा, इस शिक्षा को ऑकलैंड था, ऑकलैंड लॉर्ड ऑकलैंड था, लॉर्ड ऑकलैंड था उसमें निस्संदन शिक्षा का क्या था, निस्संदन सिद्धांत, निस्संदन सिद्धांत, इसको छनाई सिद्धांत भी कहते हैं, छनाई सिद्धांत दिया। उसने एक फॉर्मेट बताया कि जैसे यहां से शिक्षा चलेगी तो फिर क्या होगा, यहां तक पहुंचेगी, यहां से इसके बाद वहां पहुंचेगी, ये पहुंचेगी, फिर उसके बाद ये पहुंचेगी, फिर इसके बाद ये पहुंचेगी, फिर यहां तक आएगी, फिर क्या होगा, नीचे तबके तक जन सामान्य तक शिक्षा पहुंच जाएगी। उसका मानना था कि निस्संदन के सिद्धांत के द्वारा शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ कुलीन वर्ग के लोगों को, बृहस्पति संबंध कंपनी उच्च अधिकारी उनके लोग, उनके बच्चों को दी जाए ताकि वो धीमे धीमे करते हुए जन सामान्य तक पहुंच जाएगी, जो कि एक बेहुदा या तर्कहीन उद्देश्य था। उस समय भी जन सामान्य की शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सॉरी शिक्षा का निस्संदन सिद्धांत के, तो ये शिक्षा का निस्संदन सिद्धांत था जिसको लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया। इसके बाद यहां से आगे चलेंगे तो स्वतंत्रता के पूर्व एक और सबसे बड़ा मैग्ना कार्टा है, वो है सन 1854 का आज्ञा पत्र, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसको आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसको समझते हैं ये था क्या और इसकी क्या जरूरत पड़ी। मैंने कहा था 1833 हर 20 वर्ष बाद जो भी चार्टर होता था उसका क्या किया जा रहा था,
पुनरावलोकन किया जाता था, पुनरावलोकन किया जाता था, उसमें जो भी चीज होती थी उसकी समीक्षा की जाती थी कि ये चार्टर 20 वर्ष तक जो भारतीय जनता है या भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहां तक सफल रहा, उसमें क्या क्या खामियां थी, उसमें क्या क्या दोष थे और उसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए सिफारिशें मांगी जाती थी और सिफारिशें मांगने के साथ साथ उस सिफारिशों को जब रिजेक्ट करता था तो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उसको स्वीकार कर लेते थे, वैसी शिक्षण नीतियां बनाते थे। इसलिए 1833 के चार्टर को जब रिव्यू किया गया, वो का जब अवलोकन किया गया, उसकी समीक्षा की गई, उसमें तमाम तरीके की खामियों को देखा गया, तमाम तरीके के दोषों को देखा गया। उसमें सबसे बड़ा दोष ये था कि मैकाले का जो मैकाले नोट्स था या मैकाले का जो नोट पत्र था, तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने उसको स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो भारतीय जनता में जो असंतोष की भावना थी जो कि बनी रही, भारतीयों में और विद्रोह की भावना बढ़ी, भारतीयों का उससे लाभ होने वाला नहीं था। एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा समाज का बड़ा तबका जो उस तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रीय समर्थक थे या क्रांतिकारी थे या शिक्षा के नेता थे, वो चाहते थे कि भारतीयों की भाषा में शिक्षा दी जाए और भारतीयों को जो ज्ञान दिया जाए, भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो भारतीय से संबंधित हो। इसलिए उन्होंने बात की साहित्य की, बात की उन्होंने साहित्य भी भारतीयों के साहित्य की उपेक्षा हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमें हमारी भाई संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य में ही आगे बढ़ाया जाए। और अगली बात की थी उन्होंने, वो ये थी विज्ञान की बात की थी, हमारे विज्ञानों की उपेक्षा न की जाए, भारतीय विज्ञानों की उपेक्षा न की जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, डलहौजी ने क्या किया, सॉरी उस समय तत्कालीन जो एक आयोग की स्थापना की गई, एक क्या समझ गया ठीक है। अब हम मैकाले नोट्स के बाद हम 1813 का आज्ञा, 1854 का आज्ञा पत्र है क्या, इसको चार्ल्स वुड घोषणा पत्र भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे अगली स्लाइड में या अगले सेगमेंट में, ठीक है। धन्यवाद। कोई भी क्वेरीज करनी हो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।